पत्ते में चार बादशाह होते हैं, इस गेम का एक ही बादशाह है। सर कैसी थी फिल्म? अच्छी फिल्म है, बेहतरीन, शानदार, एंटरटेनिंग फिल्म, मजा आ गया एकदम। अच्छा क्या खास लगा आपको? फिल्म में रवि तेजा का काम अच्छा है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने। मतलब फिल्म तो पूरी इंटरटेनिंग है, एक भी मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कोई एक चीज़ खास है बाकी कुछ ऐसा खास नहीं, सभी कुछ मतलब आप देखो फिल्म में म्यूज़िक भी शानदार है, फिल्म के एक्ट्रेसेस ने भी अच्छा काम किया, खूबसूरत भी लगी हैं, साउथ की एक्ट्रेसेस मोस्टली लगती हैं अच्छी, और रवि तेजा का काम तो बहुत ही शानदार है, मतलब मज़ा आ जाता, पूरी फिल्म उन्हीं के ऊपर बेस्ड है और बहुत बढ़िया काम किया। फिल्म में एक्शन कैसा? फिल्म में एक्शन भी बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया एक्शन है, मतलब थोड़ा लिटरली मतलब वैसा टिपिकल जो साउथ इंडियन मूवी का एक्शन होता है ना वो उस प्रकार का नहीं है, मतलब जैसे आजकल की फिल्मों में थोड़ा सा साउथ की फिल्मों में भी चेंज होने लगा एक्शन, जैसे आप पुष्पा में भी देखोगे तो थोड़ा अलग प्रकार का एक्शन, वो टिपिकल साउथ इंडियन एक्शन नहीं, एक लात मारी चार उड़ गए, वो वैसा वाला एक्शन नहीं है। तो खिलाड़ी में भी जो है इस नए प्रकार का ही एक्शन है और बढ़िया एक्शन है, मतलब आपको उनकी राउडी राठौर जो फिल्म थी, मतलब ओरिजिनल वाली राउडी राठौर जो की थी रवि तेजा ने, वो उस फिल्म का एक्शन याद आ जाएगा, कुछ कुछ तो एक्शन के स्टाइल सीन्स उसी प्रकार के लग रहा है। अच्छा कॉमेडी भी है फिल्म में? फिल्म में कॉमेडी भी है, बेहतरीन कॉमेडी है, रवि तेजा का उसमें डबल रोल है, तो उसमें क्या है कि मतलब ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगा कहानी के बारे में, तो फिल्म में उनका डबल रोल है, तो उसमें इनका एक रोल जो इतनी कॉमेडी जिसमें बताई है उसमें वो इतनी शानदार कॉमेडी की है कि आपको अक्षय कुमार की याद आ जाएगी, क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्मों में जैसी ज़बरदस्त कॉमेडी रहती है ना वैसे उन्होंने शानदार कॉमेडी की है, मतलब शानदार सीन्स है वो, बहुत बढ़िया, और बाद में फिर वो एक्शन सीक्वेंस भी किए हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त किए हैं, मतलब मैं कहूँगा कि रवि तेजा शायद अंडर रेटेड है, इतने ज़्यादा ऑडियंस जानती नहीं है, इतना ज़्यादा उनको वो नहीं करती है, पर वो अंडर रेटेड है, वो बहुत बढ़िया काम करते हैं, एक्टर इतने ज़बरदस्त, उन्होंने एक्शन सीक्वेंस भी इतने शानदार किए हैं, कॉमेडी भी इतनी शानदार की है, बहुत बढ़िया एक्टर है। अच्छा फिल्म के सॉन्ग्स कैसे थे? सॉन्ग्स भी अच्छे हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा तो नहीं मुझे पसंद आए सॉन्ग्स, बट हाँ मतलब कि सॉन्ग्स ठीक ठाक हैं, मतलब पसंद है, मतलब आप सुनते हो अच्छा लगता है, फिल्म में आप देखने के दौरान तो बढ़िया लगे, तो कुछ बहुत गजब भी नहीं है पर बुरे भी नहीं है, बढ़िया सॉन्ग। सर फिल्म में दो एक्ट्रेसेस हमें देखने को मिली है, एक मीनाक्षी चौधरी और डिम्पल हयाती, आपको कौन सी एक्ट्रेस ज़्यादा अच्छी? मुझे एक्टिंग के मामले में तो जो है इनका मीनाक्षी का काम ज़्यादा अच्छा लगा, एज एन एक्ट्रेस उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बढ़िया उन्होंने एक्टिंग भी की है, बहुत अच्छा किया। डिम्पल खूबसूरत ज़्यादा लगी है, हॉट लगी है बहुत ज़्यादा, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है, ट्रेलर वगैरह भी बहुत अच्छी लगी थी, और इसमें भी बहुत गजब लग रही है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, बहुत बढ़िया मतलब लग रही है, और दोनों ही एक्ट्रेसेस का काम भी बहुत अच्छा है फिल्म में, मतलब लगभग सभी का काम अच्छा है, इसमें कोई भी ऐसा एक्टर नहीं है जिसका काम आपको पसंद ना आए। अच्छा फिल्म की हिंदी डबिंग कैसी है सर? फिल्म की हिंदी डबिंग ठीक है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कहीं से, जैसे कुछ कुछ फिल्मों की डबिंग बहुत ख़राब हो जाती है, मगर आजकल मुझे लग रहा है कि ठीक डबिंग हो रही है, जैसे पुष्पा की डबिंग भी सही हुई थी तो वैसे इसकी डबिंग भी सही है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कहीं से भी कि आपको ज़बरदस्ती आप कोई डब्ड वर्जन देख रहे हो या कुछ देख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा आप ओरिजिनल ऑडियो ही देख रहे हो, क्योंकि रवि तेजा की वही वाली वॉइस यूज़ करी है जो हमेशा से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा सर ये रवि तेजा की पहली फिल्म है जिसे कि डायरेक्ट हिंदी में बड़े पर्दे पर हमें देखने को मिल रही है, क्या लगता है सर फिल्म हिंदी में चल पाएगी? चल जाएगी मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी क्या जैसे पुष्पा भी चली है ना, तो साउथ इंडियन फिल्म लोगों को पसंद आई, और अभी कोई ऐसी फिल्म दूसरी है नहीं जो उसके कंपटीशन में आए, हालांकि एक फिल्म और लगी हुई है बधाई दो, पर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी ज़्यादा चलेगी, खिलाड़ी ज़्यादा मतलब मुझे तो इंटरटेनिंग फिल्म लगी और मुझे तो पूरे 2.5 घंटे से ऊपर बांध के रखा है फिल्म ने, और लगातार चल रही थी फिल्म और बहुत बढ़िया इंटरटेनिंग फिल्म है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे पसंद आ जाएगी दर्शकों को, पता नहीं कितने लोग जानते हैं फिल्म रिलीज़ हुई है या नहीं हुई है, पुष्पा के साथ भी खैर ऐसा ही हुआ था कि लोगों को पता ही नहीं था, मगर वो धीरे धीरे ऑडियंस ने पसंद किया उसको चलने लगी, इस फिल्म का ही मुझे लगता है चल जाएगी, क्योंकि फिल्म तो अच्छी है और फिल्म मज़ेदार है और बढ़िया एंटरटेनिंग फिल्म है। अच्छा आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे सर? मैं फिल्म को दूंगा 4.5 स्टार 5 में से।